गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द मेकिंग अ साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट, मेकिंग अ साइंटिस्ट इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट वॉज ए क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है, रिचर्ड एब्रेट की कहानी है, जो कि बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। ही हैड स्टार्टेड कलेक्शंस बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड एंड बाय द टाइम ही इज इन द स्कूल ग्रेड सेकेंड, उसने सेकेंड क्लास में ही बटरफ्लाई कलेक्शन करने का काम शुरू कर दिया था। ही हैड ग्रेडली गेदर्ड ऑल द 25 स्पीसीज फाउंड इन हिज होम टाउन। वो अपने बचपन में ही होम टाउन में क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए वह 25 टाइप्स की बटरफ्लाई को कलेक्शन कर लिया था। ऑल्सो ही कलेक्टेड क्वाइंस फोजिल्स एंड रॉक्स। One day his mother gave him a book named The Table of Monarch 10। एक दिन की बात है कि जब कलेक्शन करते करते रिचर्ड एब्राइट का मन उबने लगा था, तो उसकी माँ उसे एक बुक दी जिस बुक का नाम था द ट्रेबल ऑफ मोनार्क 10। दिस बुक हैज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ एंड इंट्रोड्यूज हिम टू द वर्ल्ड्स ऑफ द साइंस। यह बुक समझो कि उसके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, उसके लाइफ में बहुत परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उसमें साइंस के बारे में अत्यधिक जानकारियाँ दी गई थी। ही एक्सपीरियंस्ड द रियल साइंस इन द कंट्री साइंस फेयर एंड मोर एवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसको इस दुनिया में साइंस का महत्व का उस समय पता चला जब कंट्री साइंस फेयर में वो पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर उसे जीत हासिल नहीं हुई। तब उसे समझ में आ गया कि हमें जीत हासिल करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा हट करके काम करना होगा और इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ द फाइंडिंग द कॉज ऑफ द वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। जब वह 8th क्लास में था तो उसको एक असाइनमेंट मिला, कि फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। उसने एक टॉपिक मिला कि प्रत्येक ईयर्स जो कैटरपिलर को नष्ट कर देती है वायरस, और उस बीमारी के बारे में अध्ययन करो। इस असाइनमेंट को लेकर के वो अपना काम शुरू किया। ही टॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी ए बीटल, सो ही रोज कैटरपिलर्स विथ द प्रिजेंस ऑफ द बीटल्स। हाउ एवर ही वॉज द रॉन्ग। उसने सोचा कि शायद ये जो सिकनेस की जो कारण है ये बीटल हो सकता है, इसलिए उसने बीटल को अलग करके कैटरपिलर से अध्ययन करने लगा, लेकिन उसे बाद में पता चला कि नहीं, ये मेथड मेरा रॉन्ग है। नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट द वॉइस रॉ बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। नेक्स्ट ईयर उसे साइंस फेयर के लिए टॉपिक मिला कि बटरफ्लाइज मोनार्क कॉपी करती है, इस पर अध्ययन करो। हिज प्रोजेक्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर। और उसने इस टॉपिक को लेकर के जूलॉजी डिविजन में उसे फर्स्ट प्राइज मिला और पूरे कंट्री में उसे थर्ड प्राइज मिला। इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी
of unknown insect hormone, which led to his new theory on the life of the cell. रिचार्ड इब्राइट जब 10th ईयर्स में का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तो उस समय वो उसने अपना अपना डिस्कवरी एक ऐसे हार्मोन के बारे में ढूंढना शुरू कर दिया जो कि सेल से बन करके उसकी लाइफ बनती हो. ही ट्राइड टू द फाइंड द पर्पज ऑफ टीनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ द मोनार्क पूपा. उसने एक गोल्ड स्पॉट स्पॉट लिया और मोनार्क पूपा को रह करके अध्ययन करने लगा. द प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर. और क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट पूरे देश में उसे फर्स्ट रैंक दिलवाई. एंड द चांस ऑफ टू वर्क इन द वाटर रीड एंड ए चांस टू वर्क इन वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ द रिसर्च. और उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम करने का अवसर मिला. एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यू हीज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर. और यह स्टूडेंट कंटिन्यू अपना आगे एक्सपेरिमेंट करता रहा और अंत में हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की पहचान कर लिया. वन डे व्हाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थियरी दैट टेल्स अ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. एक दिन की बात है कि जब इब्राइट एक्सरे फोटो का अध्ययन कर रहा था तो उसने पता चला कि ये जो सेल है, सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए. सेल से हम किसी भी इंसेक्ट का डीएनए को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. इब्राइट एंड हिज रूममेट कंस्ट्रक्टेड द प्लास्टिक मॉडल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ द डीएनए. इब्राइट और उसका क्लासमेट दोनों मिलकर के डीएनए कैसे काम करता है उसके एक मॉडल बनाए. इट वॉज ए बिग लीप फॉरवर्ड एंड गॉट पब्लिश इन द मैगजीन. इसका ये वर्क डीएनए के मॉडल बन जाने से इसकी काफ़ी पब्लिसिटी हुई और मैगजीन न्यूज़पेपर में ये पब्लिश्ड हुई. ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी. ही ग्रेजुएट फ्रॉम द हार्वर्ड विद द हाइएस्ट ऑनर्स. उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली. He had other interest also, like public speaking, debate, and it also a connoisseur and outdoor person. Total overall, जब उसकी हम पर्सनैलिटी को देखते हैं तो इसमें ये देखेंगे कि वह डिबेट में भी पार्टिसिपेट करता था और वह उसका एक इंटरेस्ट था. वह आउटडोर पर्सन था. यू कैन से दैट ही वॉज द आउटडोर पर्सन. वह हमेशा बाहर रहता था, बाहर की दुनिया के बारे में सोचता था और लोगों से खुल करके बात करता था. ही ऑल्सो ही वॉज कॉम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस. वह हमेशा कॉम्पिटिटिव था, सबसे कॉम्पिटिटिव रखता था, लेकिन उसका सेंस ये था हाउ टू इम्प्रूव द वर्ल्ड. वह अच्छे सेंस में अपने कॉम्पिटिशन रखता था. एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू हिज बेस्ट. और वह चाहता था कि जितना हो सके हम अच्छा से अच्छा करें. मोर इवर ही पोसेस्ड ऑल द ट्रेट्स ऑफ द बिकमिंग ए गुड साइंटिस्ट. हम ये कह सकते हैं कि उसके पास एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के जो गुण थे, वो जो गुण होने चाहिए उसके पास थे. डियर स्टूडेंट, द स्टोरी टीचेज अस दैट विथ प्रिजर्वेंस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज अचीव्ड. स्टोरी आपसे ये कहना चाहती कसती है, आपको शिक्षा देती है कि योग्यता, डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण की भावना, हार्डवर्क, कठिन परिश्रम अगर आपके पास है तो आप किसी भी एम को आसानी से अचीव कर सकते हैं.